चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो, आपका स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं ओम प्रकाश, सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस से आप लोगों को आज हम कमोडिटी मार्केट की लेवल एनालिसिस करेंगे और उसकी एनालिसिस कंप्लीट एनालिसिस चार्ट पे भी करेंगे कि चार्ट पे किस तरीके का ट्रेंड उभर करके आया है। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर हुआ कि हम इस वीडियो में किसी भी कमोडिटी या क्रूड ऑयल या किसी भी इक्विटी या इंडेक्स को बाय और सेल के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं। ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है, इसलिए आप मेरे वीडियो को बेसिस पे आप स्टडी करके लर्न करके आप पैसा ट्रेडिंग करके पैसा अर्न कर सकते हैं। उसका हम इस हर वीडियो में ध्यान रखते हैं और उसी के पर्पज से स्टडी कराया जाता है। अगर आप कोई भी लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी और ट्रेड करने से पहले आप जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें और हमारे एनालिसिस के बेसिस पे स्टडी करके आप जो चाहें वो कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। लेकिन हमारा बस कोशिश यही है कि आप जो भी काम करें एज फॉर डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करें, मनी मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ और स्टडी के साथ ही काम करेंगे तो आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, वरना सब कुछ आप लूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आगे आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल किस तरीके से फॉल हो रहा है। 3400 के लेवल से लगातार गिरावट हो रही है और 3300 के रेंज में आ गया। और कल के वीडियो में मैंने एनालिसिस किया था कि 3240 तक का मैक्सिमम टारगेट है इस गिरावट का, उसके बाद मे भी कंसोलिडेट करे ऊपरी लेवल पे या फिर से गिरावट आ भी सकती है और वो हम स्टडी करेंगे। क्योंकि अभी जो क्रूड ऑयल की डाउन ट्रेंड चल रहा है 18 तारीख तक कंप्लीट होगा, लेकिन इस बीच में एक दो बार स्पाइक भी आएगा ऊपरी लेवल पे। तो किस तरीके से ट्रेड करना है डे टू डे हम स्टडी करते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो लाइक करता है तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि कुछ उनको भी सीख करके आपके साथ शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हर पर्सन को अलग अलग चीज़ें आती है और कंबिनेशन ऑफ नॉलेज के साथ ही आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो आगे आप आज की जो क्रूड ऑयल की लेवल निकल के आई है उसकी हम पहले लेवल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे स्टडी करेंगे कि चार्ट पे किस तरीके का ट्रेंड निकल कर के आया है। तो चार्ट पे स्टडी करने से पहले हम लेवल निकाल लेते हैं। कल की जो क्लोजिंग हुई है उसके बेसिस पे क्रूड ऑयल का जो बाई सेल लेवल निकल कर के आया है उसकी हम यहाँ हमने क्रूड ऑयल को सिलेक्ट किया। लेवल स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस तरीके से बिहेव करने वाला है क्रूड ऑयल, वो सबसे बड़ी चीज़ रहती है। लेवल एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिल जाते हैं कि लेवल दे देगा कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो टारगेट 1, 2, 3, लेकिन हम यहाँ पे सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से बिहेवियर होने वाला है थ्रू चार्ट कम्बिनेशन। और जो हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं हम अपने सब्सक्राइबर को ट्रेंड भी करते हैं कि आज किस तरीके से बिहेव करेगा और आज कौन से एंगल पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और कौन से एंगल पे शॉर्ट करना है या कौन से एंगल पे बाई करना है। तो ये स्टडी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि ये सब चीज़ें तो फ्री में अवेलेबल है लेकिन एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। और आप देखते होंगे कि उस फ्री वाले चीज़ों में आप सब कुछ सही होता है फिर भी प्रॉफिट नहीं होता है। क्यों नहीं प्रॉफिट होता है? क्योंकि पता ही नहीं होता है कि आज किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, कहाँ पे टॉप बनाएगा, कहाँ पे लो बनाएगा। तो हमने कल बोला भी था कि 45 डिग्री पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम करेगा। तो उसी तरीके से क्रूड ऑयल में आज की जो लेवल निकल करके आई है आज हो सकता है 15 डिग्री से लेके 75 डिग्री के रेंज में घूमे क्रूड ऑयल, इस 15 डिग्री से लेकर के इस 75 डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। अब 3320 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा क्रूड को और सपोर्ट जो होगा 3260 के लेवल पे। तो आज हमने एंगल चेंज कर दिया। और आज क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से क्रूड ऑयल बिहेव करने वाला है आज के सेशन में। हाँ, 3260 टूटता है तो हम फिर से उसकी वैल्यू पुट करके हम स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं अपने शॉर्ट पोजीशन का, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे नीचे के लेवल पे। तो मिनिमम जो रेंज होगा 3263
और 3320 का, तो 3320 का स्टॉप लॉस लेकर के अगर आप शॉर्ट करके बैठे हैं तो शॉर्ट करके बैठिए, जिसका स्टॉप लॉस 3320 होगा और टारगेट जो होगा 3260 का होगा और 3282 तक क्रूड ऑयल हो सकता है आज ओपन भी हो, तो यहाँ पे आप एक बार के लिए 3300 और 3282 के आसपास मूव करें तो 3300 पे आप दोबारा से शॉर्ट कर सकते हैं और 3282 को टूटते हुए देखेंगे जो 3260 तक क्रूड ऑयल को लेके जा सकता है। तो इस तरीके से आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने ये लेवल स्टडी किया, और किसी अदर कमोडिटी की भी लेवल स्टडी करानी है तो आप मुझे लाइक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि किस तरीके से स्टडी की जाती है। सेकंड थिंग, चार्ट पे हमने बहुत पहले बोला था कि 200 डेज मूविंग, यहाँ पे मैंने बोला था 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर रहा है, लेकिन मैं तेज़ी में नहीं हूँ। क्यों तेज़ी में नहीं हूँ? क्योंकि आप टीवी में भी सुने होंगे $60 चला जाएगा, $55 का भी किसी का टारगेट आ गया था कि $55 तो बिल्कुल दिख रहा है, और वहीं से $53 से ही फॉल हुआ। मेरा मैक्सिमम टारगेट जो था $53 था, जो मैंने उसी दिन बनाया था वीडियो के सेशन में, जिस दिन $53 सुबह के सेशन में मारा, और मैंने उससे दो घंटे पहले मैंने आपको लोगों को एनालिसिस करके दिया था कि मैक्सिमम आज $53 जाएगा और बहुत बड़ी तेज़ी आने के बाद बहुत बड़ी मंदी भी आएगी इंट्राडे चार्ट पे। तो सेम चीज़ उसी दिन सेम आप 29 तारीख के वीडियो 28 तारीख के वीडियो में आप देख सकते हैं। 28 तारीख की वीडियो मतलब आप 27 तारीख का वीडियो दिखेगा आपको कि मैंने एक्चुअली US टाइम से अपडेट होता है, तो सुबह मॉर्निंग के सेशन में जो भी वीडियो अपलोड करते हैं एक दिन पीछे का डेट दिखता है। तो 28 तारीख के मॉर्निंग में 9 बजे 8 बजे के करीब मैंने वीडियो डेवलप किया था और बाद में मार्केट खुला था और ऊपर गया था, फिर उसी दिन 3360 का लो बनाया था। तो ये इस वीडियो के बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हैं कि हमारी एनालिसिस कितनी परफेक्ट है। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमारी अपनी एक्सपीरियंस भी है और मैं क्रूड ऑयल में खुद ट्रेड भी करता हूँ, तो इसके बेसिस पे मेरी इसमें बहुत अच्छी ग्रिप है। और ग्रिप आपको चार्ट पे होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे। तो हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या उस पे नहीं, हम चार्ट देख करके बिहेव करते हैं। चार्ट पे मैंने गुरु मंत्र भी दिया हुआ है कि सिंपल सा तेज़ी हम इसलिए सस्टेन नहीं करेगा ये, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज नीचे है, जब तक ये दोनों क्रॉस ओवर नहीं करेंगे तब तक तेज़ी नहीं आएगा। तो अभी ये बियरिश क्रॉसओवर भी हो सकता है, लेकिन वैसे 50 डेज मूविंग एवरेज 100-200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो बुलिश क्रॉसओवर होगा, जिसका टारगेट अभी मेरे को निकल कर के आ रहा है 3240। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट लेगा, दोबारा से बाउंस करेगा, लेकिन ये बाउंस क्या सस्टेन करेगा तो उसके लिए हम वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन 3240 का टारगेट के लिए सेल करके आप बैठे हैं 3300-3400 के लेवल पे, और इस क्रूड ऑयल को आप इस 3240 के टारगेट के लिए होल्ड करके आप होल्ड कर सकते हैं। सेकंड थिंग, RSI का लेवल डेंजर जोन में है, 50 के जोन पे है। 50 का जोन बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है, तो क्रूड ऑयल का जो RSI का जो लेवल है 70 से फॉल होते होते 50 पे आके रुका है, तो 50 पे रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए जो भी आप ट्रेड करें बिल्कुल संभल कर ट्रेड करें, और शॉर्ट कर रहे हैं तो 3300, अगर न्यू शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 3320 के स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस 3320 और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस 3340 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं उसके बाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। और कुछ अगर इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, किस मार्केट में किस तरीके से कौन से कमोडिटी पे किस एंगल पे काम करता है, किस एंगल पे रिवर्स होगा, किस एंगल पे टारगेट अचीव होगा, इसकी कंप्लीट एजुकेशनल स्टडी कराई जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।